सतरूप वैराग्य नहीं हुआ तो घर छोड़कर गए वन में महात्माओं के साथ सत्संग किया, कथा पुराण सुने, भगवत दर्शन की लालसा हुई, तपस्या करने लगे। भगवान ने कहा वरदान मांगो, दर्शन दे दे प्रभु। भगवान सामने आए, क्या चाहते हो? हम तो आपको ही पुत्र रूप में चाहते हैं। मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा, इस कारण भगवान आए। और एक और कारण, सत्यकेतु राजा का बेटा प्रताप भानु चक्रवर्ती सम्राट हुआ, सब राजाओं को जीत लिया, लेकिन सब दिन होत न एक समान, सब समान सब हो एक समान सब कपटी मुनि के कुसंग में पढ़कर ऐसी योजना बना बैठा, ब्राह्मणों के ढंग से नहीं चला, ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाया, श्राप मिला, राक्षस हुआ, बड़ा भयावह राक्षस हुआ। प्रताप भानु बना, रावण अरिमर्दन बना, कुंभकर्ण धर्मरुचि बना, विभीषण, तीनों भाइयों ने तप किया, वरदान मिला। रावण ने कहा हम काहू के मर ही न मारे, चाहे हम सबको मार डाले हमें कोई न मार पावे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, बानर मनुज जाति दो ही बारे। कुंभकर्ण ने 6 महीने सोना मांगा, और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम। लंका में ये तीनों रहने लगे और अपने अपने ढंग से कार्य करें। रावण ने इतना अत्याचार किया कि परम सभीत धरा अकुलानी, पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके देवताओं मुनियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तें दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। भगवान हमारी तुम्हारी सहायता करने वाले, सबने प्रार्थना की। और प्रार्थना के पहले झगड़ा, क्षीर सागर या वैकुंठ, शंकर भगवान ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वहीं प्रार्थना हुई। और प्रार्थना होने पर भगवान ने आश्वासन दिया मैं अयोध्या में जन्म लूंगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम बानर बनो, अब अयोध्या में अवधपुरी रघुकुल मनि रावू, अवधपुरी रघुकुल मनि रावू, रघुकुल
दशरथ नाहू भेद भेद महाराज दशरथ तीन विवाह किए संतति लाभ नहीं हुआ ग्लानि हुई एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही भांति भांति भोग मिले अंगहु अरोग मिले सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में स्वेष अरु नाम मिले धन अरु धाम मिले राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया धरहु धीर श्रृंगी ऋषि को बुलाया पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए हवि का प्रसाद दिया माताएं गर्भवती हुई सुखपूर्वक कुछ समय बीता। देखो भगवान का प्राकट्य खीर से हुआ खीर में तीन चीजें मिली होती मुख्य रूप से दूध चावल और शर्करा अगर विचार करके देखो तो तीनों ही श्वेत और मुझे लगता है कि दूध ज्ञान का स्वरूप है इसमें असार जल मिला हो तो संत हंस गुण गाही पै परिहर बार विकार तो दूध है ज्ञान का स्वरूप चावल है धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो जस करे सो जैसा बोया वैसा और ज्ञान कितने ही उत्तम हो और कर्म भी कितने ही पवित्र क्यों ना हो पर बिना भक्ति के जिंदगी मीठी नहीं होती और भक्ति क्या है ये शर्करा ये तो घुल जाती है ये दूध को भी मीठा बनाती है चावल को भी मीठा बनाती है। पर शुद्ध दूध अर्थात शुद्ध ज्ञान निष्ठा ऐसा दूध नहीं दूध बेचने वाला आया खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर से आए दूध बेचने वाला बोला हम क्या देर से आए आज नल ही देर से आए ऐसा दूध नहीं नल देर से आए जब आए तब जल मिलाए तब लाए। अच्छा इन तीनों को मिला दें तो घोल बनेगा नहीं तपस्या की अग्नि में तपाओ तब खीर बनेगी और ऐसी खीर को जो पान करेगा उसके भीतर से ही भगवान प्रकट हो जाएंगे।